हेलो एवरीबॉडी आप सभी को गुड मॉर्निंग जय हिंद राधे राधे कैसे हैं आप सभी आप सभी का लेट्स क्रैक डिफेंस चैनल पर स्वागत है उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे आप सभी की स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी आ, आप सभी बच्चों को मेरी आवाज़ आ रही है एक बार सभी बच्चे बोलेंगे कि हाँ सर आवाज़ आ रही है क्या आप सभी बच्चों को मेरी आवाज़ आ रही है हाय ममता राधे राधे बेटा कैसे हो चलो एक बार जल्दी से सभी बच्चे शेयर कर देंगे ग्रुप में जैसे मैं शेयर कर रहा हूँ आप सबके लिए एक परिवार है टेलीग्राम चैनल का जिसपे हम लोग क्या करते हैं सर सभी बच्चों को शेयर करते हैं जल्दी जल्दी सभी लोग शेयर कर देंगे जिससे क्या होगा सर सभी बच्चे टाइम पर क्लास में एंटर कर लेंगे जल्दी से सभी बच्चे शेयर करेंगे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप भी शेयर कर दो जल्दी जल्दी है ना आज बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक है जो कि आपके बहुत काम आने वाले हैं एंड इसको हम लोग एनालिसिस सर करने वाले हैं क्या क्या है क्या क्या नहीं है वो बैक टू बैक हम लोग देखते हैं सर जल्दी जल्दी सभी बच्चे आएंगे फिर क्लासेस हम लोग सर स्टार्ट करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर होंगे आपके डिफेंस से रिलेटेड हो जाए या पी लेवल हो जाए या एस बैंक लेवल मतलब कोई भी आप अगर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन देने जा रहे हो ये सभी एग्ज़ाम के लिए क्या है सर बेनिफिशरी होगा आपका करंट अफेयर ठीक है तो जल्दी से सभी शेयर करेंगे सभी बच्चे करेंगे मैं भी कर रहा हूँ आप लोग भी जल्दी से कर लीजिए उसके बाद सर हम लोग क्लासेस क्या करेंगे चालू कर देंगे ठीक है चलिए मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया सभी बच्चों को शेयर कर दिया आप सब भी शेयर करेंगे बाकी बच्चे धीरे धीरे जुड़ते रहेंगे आ, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की करंट अफेयर जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे वो चीज़ें हम लोग क्या करेंगे सर कवर करने वाले हैं ठीक है तो क्रैक सी डी एस एफर्ट्स सी ए पी एफ इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म सर अन अकेडमी पर आप मेरे संग स्टडी कर रहे हो है ना एंड वॉट यू विल गेट आपको अन अकेडमी पर सर क्या क्या मिल सकता है तो डेली लाइव क्लासेस भी मिल सकती है यहाँ पे ध्यान रखिएगा मिल सकती नहीं है मिलती है स्ट्रक्चर स्कोर्स मिलते हैं यहाँ पे आपको एंड लाइव टेस्ट क्विजर्स मिलती है आपको और अनलिमिटेड एसेज भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराता है अकेडमी हमारा टीम एंड दिस इज़ अ लर्निंग ऐप आप जब इसको इंस्टॉल कर लेते हैं इतने सारे बच्चों ने डाउनलोड किया हुआ है तो उम्मीद करते हैं आप भी डाउनलोड करेंगे जो फ्री क्लासेस होंगे आपको लाइक like दिस इस तरह से सब कुछ दिखाई देगा एंड uh, उसके बाद अगर आप देखो ये पूरी फ्री क्लासेस आपके सामने ये भी पूरी फ्री क्लासेस है ठीक है ये भी आपको मिल सकता है अगर आप इसको यहाँ पे सी ऑल करते हैं ये अपकमिंग और जितने सारे क्लासेस चल रहे हैं प्लस के कोर्सेज जितने सारे चल रहे हैं वो थ्री थाउजेंड प्लस कोर्सेज चल रहे हैं आप ये किसमें से सी डी एस एफकेट सी ए पी एफ विंग में और ऐसे ही सेम अगर एयरफोर्स एन डी ए और सर नेवी वाले जो बच्चे हैं इनके भी कोर्सेज चल रहे हैं इनके लग कोर्सेस लगभग 1400 प्लस कोर्सेज चल रहे हैं और जितनी सारी कैटेगरी होती है लाइक यूपीएससी हो गई एसएससी हो गई रेलवे हो गई बैंकिंग हो गई ऐसे ही सभी कैटेगरी में अपने कोर्सेस लॉन्च है चाहे वो प्लस के हो चाहे वो स्पेशल हो आप उसे भी वॉच कर सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कि फ्री क्लासेस देखें सर आ, हमने इंस्टॉल तो कर लिया है लर्निंग ऐप बट वो ओपन नहीं होता कोई भी क्लास ओपन नहीं होता तो उस केस में आपको क्या करना है इस आर लाइफ कोड को यूज़ करना है क्या करना है सर इस आर लाइफ कोड को यूज़ करना है जिससे क्या होगा कि जो फ्री क्लासेस होंगी स्टेप बाई स्टेप आप इससे करके ओपन कर सकते हैं ये फ्री क्लासेस हमारी ऑलरेडी लर्निंग ऐप पर है ये क्विजेस को ज्वाइन करने का सर क्या है तरीका है आप देख सकते हैं ये आपका वो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और ये कुछ बेनिफिट चल रहे हैं आप सबके लिए अनेकैडमी की तरफ से डिफेंस कैटेगरी में तो इसका भी बेनिफिट आप उठा सकते हैं अगर आप ट्वेल्थ मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं सी डी एस एपकेट सब्सक्रिप्शन अगर लेते हैं ट्वेल्थ मंथ का मतलब एक साल का तो आपको इसके संग क्या होगा एक साल का एस भी फ्री में मिलेगा ठीक है एक साल की एस आपको पूरी तरह से फ्री मिलेगी ये कब तक ध्यान रखिएगा ऑफ़र विल बी एडेड ये जो ऑफ़र है आपका एस एस बी वाला ये पंद्रह दिन के अंदर आपकी आई डी में जुड़ जाएगा ठीक है और ये बेनिफिट उठा सकते हैं तीस सितंबर इस महीने के अंत तक ये बेनिफिट उठा सकते हैं कि एक महीने का एक महीने एक साल का सब्सक्रिप्शन लेने पे एक साल का एस एस बी फ्री मिलता है और ये एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको दिखेगा ट्वेंटी फाइव परसेंट का आपको क्या है सर डिस्काउंट मिल रहा है कितने परसेंट का सर 25 परसेंट का कब तक सर कल तक आज 16 है कल 17 है 13 से लेके 17 मतलब चार दिन का ये ऑफ़र आप सबके लिए आया हुआ है जिसमें पंद्रह परसेंट एन एन की तरफ से आपको दिया जाएगा और टेन परसेंट एजुकेटर का रेफरल कोड यूज़ करना पड़ेगा तो रेफ़रल कोड जो आपको यूज़ करना है आर लाइव यूज़ करना है जिससे टोटल आपको क्या होगा पच्चीस का डिस्काउंट मिल जाएगा यह सब पूरा ऑफ़र आपके सामने लिखा हुआ है तो जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं अच्छे तरह से तो वो इसका बेनिफिट उठा ले आर लाइव कोड को यूज़ करके सेम चीज़ वही है क्या करना है सर आर लाइव कोड को सर यूज़ करना है आपको और ये बेनिफिट आपको दिखाई दे रहा है कितना कम होता जा रहा है प्राइस देख रहे हो आप ये पंद्रह परसेंट पर होने पे इतना है लेकिन इसी पे दस परसेंट और हो जाएगा तो ये ग्यारह हज़ार से कितना हो गया दस हज़ार हो गया मतलब ओवरऑल देखो तो फोर्टीन थाउजेंड से टेन थाउजेंड सेवन हंड्रेड सेवेंटी वन हो गया मतलब क्या हो गया लगभग आप देख के लो कि चार हजार रुपये आपका कम हो रहा है तो अच्छा है अभी बेनिफिट आप सभी उठा सकते हो ठीक है चलो आगे आते हैं और इन सबको उठाने के लिए बस इस आर लाइफ कोड को याद रखिएगा मैंने पहले भी बोला था मैं फिर से कह रहा हूँ इस आर लाइफ कोड को यूज करेंगे तभी आपको क्या होगा सर टेन परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा अदरवाइज कोई भी डिस्काउंट मिलने वाला नहीं है चलिए अब हम लोग आते हैं टॉपिक पे टॉपिक हमारा जो है वो पहला टॉपिक ये है कि इंडिया क्रोशिया रिलेशन देखो इंडिया और क्रोशिया के बीच में क्रोशिया क्या है क, कंट्री है ठीक है कौन सी कंट्री है कहाँ पे लोकेटेड है ये सब कुछ अभी मैं बैक टू बैक आपको बताऊंगा फिलहाल आप ये जानो कि इंडिया और क्रोशिया के बीच में क्या हुआ है एक मीटिंग हुई है एक रिलेशनशिप एक किस तरह की मीटिंग है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ये सभी कुछ हम लोग बैक टू बैक अभी क्या करेंगे सर देखेंगे अच्छा एक बार बता देना सभी बच्चों को मेरी आवाज़ आ रही है क्लियर है एक बार सभी बच्चे बताइए क्या मेरी आवाज़ आ रही है सभी बच्चों को क्लियर है एकदम एक बार सभी बच्चे कमेंट्स करेंगे कि हाँ सर आवाज़ आ रही है साउंड क्लियर है एक बार बता देना सभी मैसेज से एक बार मैसेज से रिप्लाई करोगे हाँ सर आवाज़ आ रही है क्लियर आ रही है जिससे मुझे पता चले कि हाँ साउंड क्लियर है हाँ चलो ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं क्लासेस यहाँ पे पहला दिखाई दे रहा है इंडिया और क्रोशिया के रिलेशन मतलब अभी हाल ही में क्या हुआ था मीटिंग हुआ था किस किस कंट्री के बीच में हुआ था सर इंडिया और क्रोशिया के बीच में हुआ था किसके सर इंडिया और क्रोशिया के बीच में हुआ था ठीक है चलो आवाज़ सबको अब आ रही वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड जामुन कुमार हिंद क्लियर है ठीक है अनिमा कुमारी क्लियर है चलो ठीक है तो यहाँ पे एक तरह से हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन की बातें कही जा रही है इंडिया और क्रोशिया के बीच में इंडिया और क्रोशिया के बीच में इंटरनेशनल रिलेशन जो है ये आज का नहीं है बहुत पुराना है एक रिलेशन ये कब से स्टार्ट हुआ क्या हुआ और जब ये क्रोशिया बना नहीं था ये क्रोशिया जब बना नहीं था तो उसके पहले से इनका रिलेशन है उस टाइम कौन सी कंट्री थी जब ये बना नहीं था और जब ये क्या हुआ सर टूट के अलग होके क्रोशिया और पांच अलग क्या हुआ सर कंट्री बने जो कि सराउंडेड है क्रोशिया के वो कौन कौन सी कंट्रीज है उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है क्यों ये मीटिंग सबमिट हुआ है अभी रिसेंटली ये सब कुछ हम लोग बैक टू बैक देखने वाले हैं ठीक है ध्यान रखिएगा चलो आगे आ जाओ किधर साउथ ईस्ट एशिया में साउथ ईस्ट एरिया में क्या है सर लोकेटेड है साउथ ईस्ट यूरोप में क्या है सर जी आपका लोकेटेड है क्रोशिया ठीक है अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ये समझना ठीक है रिसेंटली एक मीटिंग हुआ था ठीक है इसको किसने क्या किया सर हेट किया था इंडिया की तरफ से ये इंपॉर्टेंट है बिटवीन फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड क्रोशिया ध्यान रखना इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर और क्रोशिया के फॉरेन मिनिस्टर के बीच में ये मीटिंग हुआ था ठीक है बोथ कंट्रीज अग्रीड दैट द पोजीशन ऑफ द बोथ कंट्रीज ऑन इशूज ऑफ सच इंडो पेसिफिक इंडो पेसिफिक में जो इशूज चल रहा है एंड सके द सिचुएशन इन अफगानिस्तान अफगानिस्तान का आपको पता है जिस तरह से तालिबान ने कब्जा किया उसके इश्यूज़ को देखते हुए एंड काउंटर टेरिज्म मतलब किस तरह से आतंकवाद बढ़ रहा है इस चीज़ पे मीटिंग हुआ एंड शेयर द economic इंटरेस्ट मतलब कि economically जो इंटरेस्ट है उस पर मीटिंग इन लोगों ने करा टू लार्ज एक्सटेंड आर इक्वल मतलब क्या है कि स्थिति को काफ़ी अच्छा करने के लिए इन सब मुद्दों पर क्या हुआ है सर ये मीटिंग हुई थी ध्यान रखिएगा इन सब मुद्दों पर सर क्या हुआ था सर मीटिंग हुआ था आगे कहानी क्या है जो मैं आपको बताना चाहता हूं जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये आपको दिखाई दे रहा है सर क्रोशिया क्रोशिया के जो नियरेस्ट कंट्रीज़ है ना किससे घिरा हुआ है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका ध्यान रखिएगा ये चीज़ एग्जाम में पूछता है तो आपको हंगरी दिखाई दे, दे, दे रहा है सर्बिया दिखाई दे रहा है बोशनिया दिखाई दे रहा है ठीक है हर्ज गोवनिया भी है उसके बाद सर स्लोमिया भी है ये सभी कंट्री क्या है क्रोशिया के चारों तरफ से क्या है सर घिरे हुए हैं और इसके पहले क्रोशिया तो बाद में टूट के बना ये कंट्रीज़ टूट के बनी हंगरी टूट के बनी और क्या है सर बोस्निया टूट के बनी इसके पहले क्या था कि सर टूट के ये बना है ना तो ये भी डिटेल्स हम लोग अभी क्या करेंगे सर देख लेंगे देखो यहाँ पे यहाँ पे लिखा है हाईलाइट ऑफ द मीटिंग ये जो मीटिंग हुआ है इसके हाईलाइट्स क्या है इसके इंपॉर्टेंस क्या है इस चीज को भी हम लोग देख रहे हैं वेरी गुड मॉर्निंग निधि ठीक है हाईलाइट ऑफ द मीटिंग टूरिज्म इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर एंड बोथ द कंट्रीज विल ट्राई टू एक्सपेंड एयर कनेक्टिविटी देखो यहां पे कह रहा है कि जो टूरिज्म है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है सभी कंट्री के लिए होता है कहीं ना कहीं भाई अगर एक सिंपल सी बात है अगर टूरिज्म बढ़ेगा टूरिज्म अगर बढ़ेगा उससे क्या होगा कि कंट्री का रेवेन्यू बढ़ेगा सिंपल सी बात है तो हर एक कंट्री चाहते कि हमारे टूरिज्म और इस वक्त इस सिचुएशन में 2020-21 जैसे जिस तरह से सब कुछ डिजिटली हो रहा है उस कंडीशन में भाई टूरिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक कंट्री के लिए है तो हर कंट्री चाहता है कि भाई टूरिज्म बढ़े तो सेम यहां पे कहा गया वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर एंड द बोथ कंट्री विल ट्राई टू एक्सपेंड एयर कनेक्टिविटी मतलब मीटिंग में यह भी बात कही गई कि दोनों कंट्रियों के बीच में क्या हो एयर जो कनेक्टिविटी है उसको हम और भी एक्सपेंड करना चाहेंगे ईजी करना चाहेंगे जिससे क्या हो दोनों कंट्रीज के जो नागरिक हो वो क्रोशिया आए और क्रोशिया के लोग इंडिया आए क्या करने के लिए सैर करने के लिए घूमने के लिए बोथ बिलीव दैट देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन सेक्टर लाइक अ रेलवे लाइक अ रेलवे फार्मास्यूटिकल्स एंड डिजिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन सब मुद्दों पे क्या हुआ है, सर अच्छी खासी बातचीत हुई है जिससे क्या होगा सभी दोनों कंट्रीज को सर क्या है इसका बेनिफिट मिलने वाला है आगे आते हैं सर उसके बाद बोलता है सर्वल टॉपिक ऑफ अ म्यूचुअल इंटरेस्ट इंक्लूडिंग द दूरोपियन ध्यान रखेगा इंडियन रिलेशन सिचुएशन ऑफ अफगानिस्तान इकोनॉमिक्स एंड द द कल्चर कोऑपरेशन एंड पोस्ट कोविड रिकवरी इन द मीटिंग मतलब देखो यहां पे सिंपल सी बातें कहा जा रहा है ये जो मीटिंग हुआ है अगर पूरी तरह से देखा जाए तो पर्यटन पे भी हुआ है टूरिज्म पे भी हुआ है टेरर अटैक पे भी हुआ है अफगानिस्तान पे भी हुआ है यूरोपियन यूनियन का जो सिचुएशन है उस पर भी हुआ है कोविड नाइनटीन जो अभी बीता है पोस्ट कोविड नाइनटीन जो अभी फिर से आया है तो इन सब मुद्दों पे बात किया गया में क्या हुआ है, सर, बात हुआ है ध्यान जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है वो मैं अभी आपको देना वाला हूं ध्यान रखिएगा यही आपके यहां पर सामने एंड क्रोशिया रिलेशन भारत और क्रोशिया के बीच में जो रिलेशन है वो किस तरह का

ठीक <coughs> है एडियार्टिक क्या है सर जी यूरोपी वॉय एड्रटिक कोस्ट लाइन मतलब वो एरिया है एडर्टिक कोस्ट लाइन क्या है यहां पे समझिएगा जो मैंने आपको जस्ट दिखाया घिरा हुआ था ये रहा ठीक है एडार्टिक यहां पे सी दिखाई दे रहा है इस कोस्ट लाइन से क्या है सर घिरा है तो कहीं ना कहीं ये भी एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूरियन यूरो की तरफ जो कि इटली की तरफ जाता है तो बहुत बेनिफिट रखता है ये भी तो इस वजह से ये क्रोशिया कंट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है कहां पर सर यूरोपियन यूनियन आगे आ जाऊं रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड क्रोशिया हैव बीन फ्रेंडली सिंस डेज ऑफ द फॉर्मर ध्यान रखना युगोस्लाविया मतलब आज का नहीं है जब युगोस्लाविया कंट्री थी तब से इंडिया के बीच में एक अच्छी रिलेशन रहा है ये भी ध्यान रखना ये भी अच्छा क्वेश्चन है रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड क्रोशिया हैव बीन फ्रेंडली सिंस द डेज ऑफ फॉर्मर क्या है युगोस्लाविया मतलब युगोस्लाविया जब कंट्री थी जब क्रोशिया नहीं बना था उसके पहले युगोस्लाविया था युगोस्लाविया जब टूटा डिस्ट्रीब्यूट हुआ तब जाके ये पांच कंट्री बनी थी हंगरी हो गया स्लाविया हो गया और क्रोशिया हो गया और दो नियरेस्ट कंट्री जो है वो निकल के बाहर आए थे उसके पहले सर क्या था सर जी युगोस्लाविया था तब से इंडिया के बीच में एक अच्छी रिलेशन अ सीरीज ऑफ अ पॉलिटिकल पॉलिटिकल कॉन्फ्यूल इन द अर्यर नाइनटीज रिजल्ट इन दिस इंटीग्रेशन ऑफ द युगोशलाविया मतलब सिंपल से कह रहा है कि नाइन्टीज से नाइनटीन के समय से सीरीज से ही क्या है इसकी पॉलिटिकल अप एंड डाउन मतलब कह सकते उथल uh, पुथल क्या है चल रहा है किसका सर युगोश्लाविया uh, का और फाइनली क्या हुआ कि युगोशलाविया को अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया तोड़ दिया गया जब तोड़ा गया तो सर क्या क्या बना आपके सामने यहाँ पे मैप में दिखाई दे रहा है हंगरी एंड बोस्निया, सर्बिया ये सब कंट्रीज क्या हुए बाहर निकल के आए थे ठीक है ध्यान रखना तब से रिलेशन है नाइनटीज का आज का रिलेशन सर नहीं है इंडिया के संग इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है रिलेशन इसलिए मैं आपको सर पढ़ा रहा हूं ठीक है चलो अब यहां पे कह रहा है डिस इंटीग्रेशन है गेव बर्थ टू सिक्स न्यू कंट्रीज ध्यान रखना छह नए कंट्रीज बने थे जब ये क्या हुआ था टूटा था यहाँ पे आपके सामने दिखाई दे रहा है छो कंट्री के नाम दिखाई दे रहे हैं सर यहाँ पे सब कुछ है क्रोएशिया है यहां पे है ठीक है ये मोस्ट है ध्यान रखिएगा सर्बिया किससे अलग होकर बना था बोशनिया किससे अलग होके बना था ये सब चीजें बस पूछ सकता है बोशनिया और हार्जिगोविया क्रोशिया मैसोडोनिया मोंटेनेग्रो सर्बिया तथा स्लोनिया ये सभी कंट्रीज क्या हैं सर टूट के बने थे और इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ध्यान रखिएगा एंड द युगोस्लाविया प्रेसिडेंट जोसेफ ब्रोज

कंट्रीज बने थे ध्यान रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट है उसी का पार्ट है सर्बिया भी उसी का पार्ट है सर मोंटेनेग्रो भी क्या है सर जी इसी का पार्ट है ध्यान रखिएगा उसके बाद सर बोस्निया भी उसी का पार्ट है हर्जिगोविनिया भी उसी का पार्ट है ये सभी कंट्रीज क्या है सर उसी से अलग होकर अलग बने हुए थे ठीक है तो ये भी बहुत इंपोर्टेंट है आप एग्जाम के लिहाज रखिएगा आगे आते हैं सर पीपल ऑफ क्रोशिया हैव कीन इंटरेस्ट इन इंडिया द डिपार्टमेंट ऑफ एंडोलॉजी ध्यान रखे एंडोलॉजी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैसा जागरेव मतलब कह रहा है कि क्रोशिया के लोगों की भारत में गहरी क्या है एक दिलचस्पी है मतलब अच्छा रिलेशन है और जागरेब जो यूनिवर्सिटी है एंडोलॉजी विभाग के छह दशकों से भी अधिक समय से अस्तित्व में है बहुत अच्छी बात है ए, और एक दशक के पहले भारतीय संस्कृति भारतीय संस्कृति संबंध परिषद आईसीसीआर का मतलब होता है इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चर रिलेशन ध्यान रखिएगा कल्चर रिलेशन ठीक है हिंदी चेयर वॉज स्टेबलाइज एंड डिको मतलब काफी सालों पहले ही एक रिलेशन है और काफी पहले स्थापित की गई थी ये क्या सर स्थापित किया गया था इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशन आईसीसीआर को क्या किया गया था सर स्थापित किया गया था ठीक है वेरी गुड मॉर्निंग निधि हो गया लव यू टू लव यू टू अनिल अनिल रोहलिया किसने कह दिया नहीं लगी मेरे दोस्त मेरे भाई है ना? किसने कह दिया कि नहीं लगी क्या नहीं लगी चलो ये तो हमने एक आपको पहला न्यूज पढ़ा दिया इंटरनेशनल रिलेशन था इंटरनेशनल रिलेशन में किसके बारे में बताया गया सर इंडिया और क्रोशिया के बारे में बताया गया क्रोशिया की मैंने आपको हिस्ट्री दे दिया कि क्रोशिया कंट्री कैसे बनी थी किससे अलग होकर बनी थी और कितने सारे कंट्रीज बने थे ठीक है और इंडिया के संग इनका रिलेशन कैसा है यह बहुत इंपॉर्टेंट है और जो अभी रिसेंटली दो में जो ये मीटिंग हुआ है इस मीटिंग का पर्पज क्या था यह भी मैंने आपको बता दिया ठीक है तो ये एक इंटरनेशनल रिलेशन पर डिपेंड्स ये टॉपिक था मैंने कंप्लीट करा सेकेंड टॉपिक पे आते हैं आई मतलब कहता है क्या सर यूनियन वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस अब ये आई एन वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस ये है क्या ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसका है फाउंडेड कब हुआ था और ये करता क्या है कंजर्वेशन का मतलब क्या है सुरक्षित रखता है ऐसे ऐसे पौधों को ऐसे को जानवरों जो विलुप्त होते जा रहे हैं उन सब पे कंजर्वेशन का, का काम करता है तो ये किस तरह से करता है और अभी ये न्यूज में अचानक से क्यों आया आई वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस अचानक से न्यूज में क्यों आया कौन सी ऐसी स्पीसी है जो कि क्या हो रहा है सर गायब हो रहा है क्या इसलिए आया है इंडिया में इसका क्या है? importance है ठीक है बहुत सारी चीजें हैं और इससे आप एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन 100 परसेंट पूछे जाते हैं ठीक है ध्यान रखना अच्छा अच्छा ममता अभी ना मैं फिर से कराऊंगा बेटा ठीक है ध्यान रखना ममता अभी ना मैं आप लोगों को फिर से कराने वाला हूँ मान के चलो एक दो दिन के अंदर जो दोपहर में दो पीएम वाली क्लास है उसमें अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त हर एक मंथ का अलग अलग करंट अफेयर 300 300 300 कराएंगे तो वहाँ से फिर से हम पी आपको दे देंगे एक संग ले लेना ठीक है मैम तो अदरवाइज फिर से हमें देना पड़ेगा तो उसी टाइम में एक संग हम आपको दे देंगे और अगर अभी कोई एग्ज़ाम है रिसेंटली कुछ दिनों में तो बता देना फिर मैं जल्दी दे दूंगा आपको है ना अगर रिसेंटली कुछ दिनों में ही आपका अगर पेपर है तो हम आजकल में आपको क्या करेंगे सर सर देंगे ठीक है चलो चलो आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं आई क्या है द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट इंक्लूसिव इनवाटल डिसीजन मेकिंग फोरम आई वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 ट्वेंटी पोस्टोन फ्रॉम जून ट्वेंटी ट्वेंटी टू से हिल्ड कहां पे सर होने वाला था फ्रांस में सर ये होने वाला था ध्यान रखिएगा ये यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मार्सली फ्रांस में ये मीटिंग होने वाली थी ध्यान रखिए कंजर्वेशन का कब होने वाला था रतन सर तो ये होने वाला था सर आपका ध्यान रखिएगा जून दो जून दो से सप्तम्बर दो के बीच में यह होने वाला था द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड मोस्ट इंक्लूसिव इन्वाटल डिसीजन मेकिंग फोरम वर्ल्ड का बहुत ही बड़ा सर क्या है एक एनवायरमेंटल एंड डिसीजन मेकिंग फोरम है जो कि क्या नाम है आई वर्ल्ड वर्ल्ड पोस्टोन तो, मतलब कर दिया गया है, मतलब अब क्या? में न्यूज निकल गया है इसका मतलब ये अब मीटिंग होने वाली है कंजर्वेशन पे ये किस तरह का होगा कैसा होगा कहां पे होगा एवरीथिंग आपके सामने दिखाई दे रहा है सर फ्रांस के कहां पे मार्सिले में होने वाला था आगे आ जाओ अब इसकी इंपॉर्टेंस को क्रिटिकली पॉलिसी क्रिटिकल पॉलिसल डिसीजन ध्यान रखिएगा टू एड्रेस कंजर्वेशन प्रायोरिटीज इंक्लूडिंग द

सर जी एक पॉलिसी डिसीजन लेते रहते हैं IUCN. ध्यान रखिएगा भी बहुत है है बच्चा, है ठीक ठीक बच्चा आ जाओ इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर का फुल फॉर्म है ध्यान रखिएगा कि तो मतलब किस तरह से हम क्या करें प्राकृतिक को बचाए वहां पे जो आ, Uh, वहां पे जो uh, मतलब स्पीसीस है लाइक like, एनिमल्स uh, है पौधे हैं या जो भी हैं जो विलुप्त हो रहे हैं उनको किस तरह से बचाया जा सके इन सब चीजों पे कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है सिंपल सी बात है किस तरह से किन चीजों को हम बचा सके इस पर क्या होता है सर जी मीटिंग होती है बहुत बड़ी लेवल पे होती है कई सारे कंट्रीज इसमें हिस्सा भी लेते हैं ठीक है ना कंडक्ट द वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस विच हेल्ड एवरी फोर ईयर हर एक चार सालों में ये होता है ध्यान रखिएगा एवरी फोर ईयर इन अ डिफरेंट लोकेशन अराउंड द ग्लोब पूरे

चल रही है जो कंडीशन चल रही है उन सबको कंजर्व करने के लिए उन सबको बचाने के लिए क्रिएट कि किया गया था कंजर्वेशन हुई थी वो कहां पे हुई थी सर यूनाइटेड स्टेट में हुई थी कब हुई थी, सर? 1948 में हुई थी और ये जो बनाया गया था नाइनटीन में आयू एन को इसलिए बनाया गया था कि नेचुरली जो भी डिजास्टर होता है क्लाइमेट चेंजिंग होती है उसकी वजह से उसकी वजह से जो भी हमारे जनजाति हैं सॉरी जंतुएँ हैं एनिमल्स हैं पौधे हैं अगर ये विलुप्त होते जा रहे हैं उनको कंजर्व करना उनको बचाना अभी आपको दिखाई देगा लिस्ट भी मैंने रखा हुआ है नाइन अलग अलग कैटेगरीज है जो अभी प्रेजेंट टाइम में कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कि विलुप्त होते जा रहे हैं उनको बचाने की भी कोशिश की गई है जिस तरह से मैंने आपको पढ़ाया था एलिफेंट रिज़र्व के बारे में पढ़ाया था टाइगर रिज़र्व के बारे में बताया था मैंने ये भी बताया था कि शेड्यूल होते हैं शेड्यूल कितने होते

होता हुआ दिखाई दे रहा है अगर इसको बचाना है तो हमें इसको शेड्यूल वन में डालना है उसके लिए अवेयरनेस होता है कैंपेन चलता है और शेड्यूल वन में डालने के बाद अगर कोई इंसान उस जानवर को मारता है तो उसको सीधा जेल की सजा हो जाती है ठीक है इसीलिए शेड्यूल वन बहुत इंपॉर्टेंट लगता है और शेड्यूल फाइव का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे फॉर एग्जांपल इंडिया में हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश में एक ऐसा सिचुएशन हर, हर साल आता है जहाँ पे बंदरों की संख्या बहुत बढ़ जाती है तो शेड्यूल फाइव में डालने का मतलब यह है कि भैया आप मार सकते हो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है वो स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस करती है सेंट्रल गवर्नमेंट के यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन और मैंने इसके बारे में पढ़ाया भी है ठीक है एलिफेंट रिजर्व जब पढ़ा रहा था मैंने पढ़ाया टाइगर रिजर्व पढ़ा रहा था तब भी मैंने बताया था कि शेड्यूल होते हैं वो फिर से मैं कभी एक दिन पढ़ाऊंगा आपको यूट्यूब पर तो वो भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी सर वो क्या होता है कौन कौन सा शेड्यूल है कौन कौन सा शेड्यूल नहीं है फिलहाल हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं ये याद रखेगा एंड आगे बढ़ते हैं सर अब यहाँ पे बोलता है इसका जो आई का हेड क्वार्टर है वो सर स्विट्जरलैंड में मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर्मेशन कब हुई थी सर 1948 में सर इसकी फॉर्मेशन हुई थी कब हुई थी सर 1948 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी और स्विट्जरलैंड में इसका हेड क्वार्टर है अब ये यू देख के ना यू एन आंसर हेडक्वार्टर है मत लगा देना नाइन्टी बच्चे ऐसे ही चले जाते हैं अगर यूनाइटेड स्टेट देखा हेड क्वार्टर उसका वहीं यूनाइटेड स्टेट में पहली कंजर्वेशन हुई थी कब नाइनटीन में हेड क्वार्टर स्विट्जरलैंड में है ठीक है आई यू सी एन रेड लिस्ट अब देखो यही बहुत इंपॉर्टेंट है रेड लिस्ट का मतलब क्या होता है रेड लिस्ट का मतलब ये होता है कि ऐसे जानवर ऐसे स्पीसीज पूरी तरह से विलुप्त होते जा रहे हैं जो हमारे को दिखाई नहीं दे रहे हैं ऐसे जानवरों को ऐसे पक्षियों को ऐसे पौधों को ये क्या करते हैं रेड लिस्ट में डाल देते हैं कि इनको किस तरह से बचाया जा सके वही चीज यहां पर कह रहा है कि आई यू सी एन रेड लिस्ट ऑफ द थ्रेटनेट स्पीसीज इन द वर्ल्ड मोस्ट कॉम्पन

फॉर दिक्यूअर recogniz and एंड रिस्पेक्ट फॉर द कलेक्टिव इंडिजीनियस राइट एंड गवर्नमेंस ध्यान रखिएगा गवर्नर्स ऑफ territories वाटर कोस्टल सीज एंड नेचुरल resources मतलब कह रहा है कि एक तरह का लैंड है क्षेत्रीय हो गया ठीक है या आप कह सकते हो जल तटीय समुद्र प्राकृतिक संसाधनों के शासन हेतु क्या है स्वदेशी अधिकारों को मान्यता एवं सम्मान प्रदान करो आहान करो मतलब सिंपल से कह रहा है कि जो लोकल बॉडीज हैं जो लोकल बॉडीज है उनको क्या करो सर प्रमोट करो उनको क्या करो सर रिस्पेक्ट करो उनको क्या करो सर आगे उनके अधिकारों को मान्यता दो जिससे क्या करे वो एक अच्छे लेवल पे काम करे देखो एक बड़ा सा अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको चलाने के लिए हमारे को छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन की भी नीड होती है जो निचले स्तर पर काम कर सके तो जो भी छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन है उनको मान्यता देना उनके रजिस्ट्रेशन को मान्यता देना कि मतलब हाँ आप ये काम कर रहे हो कंजर्वेशन के लिए काम कर रहे हो अच्छा काम कर रहे हो हम आपको क्या कर रहे परमिशन दे रहे हैं तो ये सब काम किया जा सकता है क्या है सर जी स्वदेशी लेवल पे इंडिजिनियस एजेंडा के तहत ध्यान रखिए ग्लोब पे उसके बाद सर क्या कहता है इट वॉज डेवलप किसके द्वारा डेवलप किया गया आई यू सी के द्वारा इंडिजिनियस पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन मेंबर को भी डेवलप किया गया है मतलब क्या है कि आप इसके मेंबर बन सकते हो मेंबर बनने के बाद इस पे कंजर्वेशन पे क्या है सर काम कर सकते हो ठीक है आगे बढ़ते हैं सर इट ले आउट हंड्रेड लेवल मतलब हंड्रेड नहीं सॉरी टेन लेवल क्या है सर प्रपोजल एंड द आउटकम्स रिलेटिंग टू फाइव टू फाइव थीम्स ध्यान रखिएगा मतलब कह रहा है कि यह पांच विषयों से संबंधित है और टेन हाई लेवल प्रपोजल एंड द आउटकम रिलेट रिलेटिंग टू फाइव थीम्स इंडिजीनियस गवर्नेंस ध्यान रखिएगा बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन क्लाइमेट एक्शन पोस्ट कोविड नाइनटीन रिकवरी एफर्ड फूड सिक्योरिटी एंड द ग्लोबल पॉलिसी सेटिंग ये पांचों पे क्या है सर कंजर्वेटिंग की बात कही जा रही है बहुत इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये इसको कॉपी पर लिखिएगा इसमें से कुछ भी एग्जाम में पूछ सकता है आपके IUCN रेड लिस्ट अपडेट IUCN ने क्या किया है अपने रेड लिस्ट को अपडेट किया मतलब पहले जो एनिमल्स थे पहले जो पौधे थे पहले जो जानवर थे उनको अपडेट किया है मतलब क्या कुछ और जानवरों को ऐड किया गया है कुछ और एनिमल्स को क्या किया गया इस स्लैड में रेड लिस्ट जो उनका होता है उसमें ऐड किया गया है अब आप एग्जाम में यहां से क्वेश्चन हंड्रेड एंड हंड्रेड आएगा कि आई के द्वारा कौन से ऐसे स्पीसी को हाल ही में रेड लिस्ट में क्या किया गया है सर शामिल किया गया है तो वो आप स्पीशियस लिख लेना एग्जाम हंड्रेड परसेंट क्वेश्चन बनने वाला है क्या क्या बनने वाला है वो भी आगे चल के हम बताएंगे लेकिन फिलहाल ये जो मैं आपको बता रहा हूं इसको जरूर से लिख लेना ठीक है अब ये रेड लिस्ट क्या है इसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया, अब कौन -कौन जुड़ा है, ये ध्यान रखिएगा सम टू स्पीशीज आर ऑफिशियली एक्सटेंट 30% ऑफ द स्पीशीज दैट इट्स असेसड एंड 138374 फेस द थ्रेड ऑफ द एक्सटेंड मतलब कह रहा है 902 जो स्पीशीज हैं उनको क्या है जो प्रजातियां हैं आर ऑफिशियली एक्सटेंड मतलब कि ये विलुप्त होती हुई दिखाई दे रही हैं या विलुप्त हो चुकी हैं ध्यान रखिएगा यहां पे लिखा है Extended, मतलब कह रहा है कि 902 ऐसी प्रजातियां हैं जो कि पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी हैं। मतलब है, 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 है और ध्यान रखिएगा कितना सर वन लाख थर्टी एट थाउजेंड थ्री हंड्रेड से थ्रेड मतलब कि इतने सारे स्पीसी अभी क्या है खतरे पे दिखाई दे रहे हैं विलुप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं तो ये बहुत बड़ा डेटा है आपके एग्जाम के लिए ध्यान रखिएगा सर क्या है बहुत बड़ा डेटा है और ध्यान कौन कौन से एनिमल है वो भी इंपॉर्टेंट है सम आर एक्सटेंड इन द वर्ल्ड मतलब कह रहा है

पूछा जा सकता है छोड़ के मत आना मेरे भाई मेरे दोस्त इस क्वेश्चन से आप एग्जाम में क्वेश्चन 100% बनेंगे इस डेटा से ठीक है आगे आ जाओ सम 71148 स्पीशीज आर लिस्ट कंसर्न वेल व्हाइल 19404 आर डेटा डेफिशिएंट मतलब कह रहा है कि लगभग 71148 स्पीशीज क्या है क्या है लिस्ट्स कॉन्सर्न मतलब क्या है इनकी कंडीशन बहुत ही मतलब चिंताजयी है चिंताजनक है इनको देखा नहीं जा रहा है इनकी कुछ भी कंडीशन हो सकती है जबकि क्या है 19,404 आर क्या है प्रजातियों का डेटा ही नहीं है ठीक है उनको खोजा ही नहीं जा रहा है नाइन्थ कैटेगरी इज नॉट एवुलेटेड मतलब कह रहा है जो हमारा नवा कैटेगरी है किसमें आयुषियन का उसको क्या कर सकते हैं सर कंसिडर नहीं करते नॉट एवुलेट करते हैं स्पीस नॉट असेट बाई द आयुषियन मतलब क्या है इसकी जो गणना है वो आयुषियन के द्वारा नहीं की जाती है नौवे कैटेगरी की ठीक है नौवें कैटेगरी की गणना आयु एस के द्वारा नहीं की जाती है, ये ध्यान रखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से भी आप एग्जाम में पूछे जा सकते हैं लो चलो यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा अब आया है सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाल ही में आई के द्वारा जो रेड लिस्ट अपडेट किया गया है उसमें कौन से एनिमल को आ, क्या किया गया है सर शामिल किया गया है तो पहला आपको दिखाई दे रहा है सर जी कोमोडो ड्रैगन है क्या है सर जी कोमोडो ड्रैगन को क्या किया गया आई यूएन के लिस्ट में रखा गया है यह एक तरह की बहुत बड़ी लार्ज बहुत ही बड़ी एक क्या होता है सर छिपकली है क्या है सर छिपकली है जिसको लिजर्ड कहते हैं इंडोनेशिया कोमोडो ड्रैगन इंडोनेशिया में ये पाया जाता है आपको दिखाई दे रहा है कहाँ पाया जाता है सर जी इंडोनेशिया में पाया जाता है ये छिपकली है ध्यान रखिएगा बहुत बड़ी छिपकली होती है जो हमारे घरों में होती है वो छोटे छिपकली होते हैं ये जो पाए जाते हैं इंडोनेशिया में काफी बड़े छिपकली होते हैं ध्यान रखिएगा तो इंडोनेशिया का है कमोडो ड्रैगन ठीक है ये क्या है सर जी ध्यान रखिएगा इट इज इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट लिविंग लिजर्ड एंड इट हैज बीन मूव फ्रॉम अ वालरबल टू द इंडिजिनियस मतलब कह रहा है कि ये क्या है खोते हुए दिखाई दे रहा है संकट की तरफ दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं विलुप्त होते दिखाई दे रहा है

टीनी हैबिटेड बाय द एटलीस्ट 30% परसेंट ओवर द नेक्स्ट 45 फाइव ईयर मतलब किस तरह से कह रहा है जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है समुद्र के पानी का लेवल ऊपर की ओर बढ़ रहा है इन सब चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है ये जो प्रजाति स्पीसीज दिखाई दे रहा है सर कहीं ना कहीं लिजर्ड विलुप्त होते जा रहा है ठीक है और आने वाले 45 फाइव ईयर में भी कहानी वही कहा रहा है कि अगले 35 वर्षों में प्रजाति के आवास में कम से कम 30 परसेंट की कमी आने की आशंका है मतलब अगले अभी आने वाले 45 फाइव ईयर में कहीं ना कहीं इनकी भी स्पीसीस क्या है कम होती दिखाई देगी फोर्टी तो ये बहुत ही बड़ा डेटा है और इसको कॉपी में ज़रूर से लिखिएगा आगे आ जाइए आगे बोलता है टूना टूना का मतलब होता है सर जी एक मछली होती है फिश होती है ये भी विलुप्त होती हुई दिखाई दे रही है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ये टूना मछली है ठीक है ना ये टूना मछली है ऐसे ही येलो टेल येलो टेल मछली होता है वो भी विलुप्त होते हुए दिखाई दे रहा है तो ये सब इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा टूना जो स्पीसीस इस है इसको भी आई के द्वारा रेड लिस्ट में शामिल किया गया क्योंकि ये विलुप्त हो रहा है उसको किस तरह से बचाया जा सके ठीक है ध्यान रखिएगा फोर ऑफ द सेवन मोस्ट कॉमर्सली फिस्ट चूना रिकवरी ठीक है अंटार्क्टिका ध्यान रखिएगा उसके क्या है अंटार्क्टिक ब्लूफिन ब्लूफिन टूना ये भी है ध्यान रखिएगा ब्लूफिन टूना ठीक है मूव फ्रॉम इंडेंजर्ड टू लीस्ट कॉन्सर्ट चिंताग्रस्त है उसके बाद साउथ ईस्ट ब्लूफिना टूना वही है मूव फ्रॉम द क्रिटिकली इंडेंजर्ड टू द इंडेंजर्ड ठीक है उसके बाद सर क्या है अल्बाकोर ध्यान रखिएगा अल्बाकोर अल्बाकोर क्या है सर जी येलो क्या है सर येलो फिन है ये येलो टाइप में आपको दिखाई देते हैं देखो यहाँ पे येलो टेल ये इसके ठीक है ये भी कहीं ना कहीं मूव कर रहा है की तरफ लिस्ट मतलब कहीं ना कहीं कही ये भी विलुप्त होते हुए दिखाई दे रहा है उसके बाद सर क्या अदर टूना स्पेस लाइक का क्या है सर जी बिग बाई ये अलग ट्यूना के ही अलग अलग प्रजाति हैं बिग आई ट्यूना है ये भी कहीं ना कहीं उसी में दिखाई दे रहा है स्कीप जैक ट्यूना ठीक है रिमेन्स लिट्स कॉन्सर्ट ये सभी आपको दिखाई दे रहे हैं इनको भी आई यू सी एन के द्वारा रेड लिस्ट में डाला गया है किसने सर रेड लिस्ट में सर डाला गया है ठीक है पेस्पिक ब्लूफिन टूना इसको भी डाला गया है मूव फ्रॉम अ वेलरेबल टू नियर थ्रेट ड्यू टू द एबेबिलिटी ऑफ अ न्यूअर स्टॉक असेसमेंट डाटा एंड मॉडल्स मतलब कि जो अभी न्यूली नु, नु, जो डेटा आया है उसके अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि भाई ये भी क्या है आई के द्वारा रेड लिस्ट में डाला गया है बल टूरिज्म इनिशिएटिव देखो सशक्त पर्यटन पहल ठीक है अब यहाँ पे कह रहा है संस्टेनेबल टूरिज्म जो इनिशिएटिव किया गया वो क्या है विच फाउंडेड बाई द जर्मनी एंड इंक्लूडेड इंप्लीमेंटिंग पार्टनर यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड द कल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को एंड द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर मतलब कह रहा है कि ये जो संस्टेडेबल टूरिज्म इनिशिएट किया गया है यह कार्यक्रम जो है ना जर्मनी के द्वारा किया गया है जर्मनी एंड इंक्लूडेड द इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर्स जो साथ में इनके संग पार्टनर हैं वो कौन है सच है यूनाइटेड नेशन मतलब यूएन ठीक है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल ध्यान रखिएगा एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड द वर्ल्ड वाइड फंड नेचर के द्वारा क्या किया गया इनिशिएट किया गया है यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है इट विल यूज द टूरिज्म एंड इंस्ट्रूमेंट टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द डेवलपिंग एंड द इमर्जिंग कंट्रीज मतलब क्या है किस तरह से इसको बचाया जा सके इसको और भी विकासशील बनाया जा सके ठीक है उभरते हुए देशों के संग क्या करेंगे सर सशक्त विकास में योगदान करने के लिए पर्यटन को एक उपकरण के रूप में उपयोग किया जाएगा और आपको पता है कि जिस तरह से हर एक कंट्रीज में पर्यटन बहुत तेजी से बढ़ रहा है और बढ़ना भी चाहिए हर एक कंट्री का जो ग्रोथ होता है वो पर्यटन से भी होता है टूरिज्म से भी होता है रेवेन्यू इकट्ठा होती है उस कंट्री को बेनिफिट होता है उस स्टेट को बेनिफिट होता है ये सब कुछ आपस में क्या है सर जुड़ा हुआ है नेक्स्ट आ जाओ

वियतनाम में पांच अन्य संरक्षित क्षेत्रों के साथ काम कर रहा है कौन कर रहा है आई यूएस कर रहा है किसके तो और वियतनाम में कहां पे सर पेरू और वियतनाम में टू इंक्रीज द रेजिलेंस ऑफ द कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म सेक्टर ऑफ अ फ्यूचर डिसिप्लिन मतलब पांच जगहों पर कर रहा है किस तरह से इसको और भी बढ़ाया जा सके आगे आ जाओ अब देखो आपको यह भी दिखाई दे रहा है एक पंक्षी है यह भी अपडेट किया गया, इसको भी रेड में डाला गया है, क्या है, update, अब कहता है रैप्टर, रैप्टर भी, भी, मतलब भी खतरे की घंटी पे है मतलब कहीं ना कहीं खतरे के एरिया में दिखाई दे रहा है रैप्टर इसको हम लोग रैप्टर बोलते हैं ठीक है अकॉर्डिंग टू एन एनालिसिस बर्ड लाइफ इंटरनेशनल अराउंडी परसेंट ऑफ द फाइव फाइव सेवन रैप्टर स्पीसीज अराउंड द वर्ल्ड और थ्रेटनेड एंड एक्सटेंड समिग्रीज मतलब कह रहा है कि ये विलुप्त होती दिखाई दे रही है 30 परसेंट ध्यान रखिएगा 557 हंड्रेड फिफ्टी सेवन रैप्टर स्पीसीज अराउंड द वर्ल्ड पूरे विश्व में और इसको भी बचाने की कोशिश की जा रही है इसीलिए इस रैप्टर स्पीसीज को भी क्या किया गया सर आई यू एन सी एन के द्वारा किसके द्वारा आई यू सी एन के द्वारा क्या किया गया सर रेड लिस्ट में डाल दिया गया है ठीक है ध्यान रखिएगा ये जो डेटा हम दे रहे हैं लिख लीजिएगा कॉपी पे बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन इस डेटा से बनने वाले हैं आपके अब बोलता है बलहर बलहर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड अभी हाल ही में बलहर कंजर्वे टर्टल मतलब जो कछुआ होता है उसको बचाने के लिए अवार्ड दिया गया जो कि भारत में दिया गया है तो बलहर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड रिसेंटली इंडियन बायोलॉजिस्ट ध्यान रखिएगा इंडियन बायोलॉजिस्ट सलेंद्र सिंह हैज बीन अवार्डेड द बलहर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड फॉर अ ब्रिंगिंग थ्री क्रिटिकली इंडेंजर टर्टल कंजर्वेशन स्पीसीज बैक फ्रॉम द ब्रिंक ऑफ एक्सटेंड मतलब कह रहा है कि जो हमारे इंडियन सलेंद्र सिंह थे इनको हाल ही में क्या किया गया है बलहर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया क्यों किया गया है क्योंकि इन्होंने क्या किया है कि आ, इन्होंने क्या किया तीन ऐसे क्रिटिकली इनडेंजर टर्टल थे जिसको इन्होंने बचाया है क्या किया तीन जो टर्टर थे, उसको इन्होंने क्या क्या बचाया है तीन ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा इनका नाम ठीक है तो इसको कॉपी में जरूर से लिखेगा एग्जाम में हंड्रेड परसेंट क्वेश्चन आपके बनेंगे नेक्स्ट आ जाओ अब कहता है को प्रेजेंटेड बाई द टोर्टल सर्वलाइंस अलायंस टी एस टर्टेज एंड फ्रेश वॉटर टर्टल स्पेशलाइज्ड ग्रुप टर्टल कंजर्वेशनरी एंड द टर्टल कंजर्वेशन फंड ये वही चीजें हैं सब कुछ आगे बढ़ते हैं सर अब आ जाओ मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने दो टॉपिक आपको पढ़ा दिया तीसरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी अब ध्यान से समझना क्रिप्टो करेंसी क्या होता है बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी आपके एग्जाम में आजकल पूछा जाएगा और इस टाइम काफी तेज बढ़ता हुआ एक इन्वेस्टमेंट क्या है सर प्लेटफॉर्म है क्या है सर इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म कह सकते हैं ये क्रैप्टो करेंसी क्या है एक वर्चुअल करेंसी होता है क्या होता है सर एक वर्चुअल करेंसी होता है जहां पे पैसे आपको दिखाई नहीं देते और वैसे भी आ, आप लोग वर्चुअल करेंसी हमेशा रात दिन यूज करते हो कैसे यूज़ करते हो पता है आप लोग कभी भी हम लोग देखा है पैसे को पैसे में कहाँ करते हैं अभी जब से ये डिजिटलाइजेशन बढ़ता गया है हम लोग फोन यू यूपीआई यूज़ करना चालू कर दिए गूगल यूज़ करना चालू कर दिए इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा अपने दोस्तों को पैसा भेजते हैं घर परिवार वालों को भेजते हैं तो ये सब जो पैसा हम लोग भेजते हैं कभी भी पैसा देखा है क्या नहीं देखा है जब आप फोन पे पे अपना बैलेंस चेक करते हो तो क्या आपको पैसा दिखाई देता है नहीं सर पैसा नहीं दिखाई देता सर हमारे को नंबर दिखाई देता है क्या दिखाई देता है सर नंबर दिखाई देता है जैसे आपके अकाउंट में पाँच सौ रुपये है तो फाइव हंड्रेड फाइव डबल जीरो एक नंबर दिखाई देता है न कि पैसा दिखाई देता है मेरी बात को ध्यान से समझना इसी को हम लोग वर्चुअल करेंसी कहते हैं जो हमें करेंसी दिखाई नहीं देती है वो सिर्फ आभासी होती है ठीक है ध्यान रखिएगा इसको क्या करते हैं क्रैप्टो करेंसी कहते हैं ठीक है थीके? ये ऑनलाइन ट्रेडिंग में हम लोग इसका यूज़ करते हैं ध्यान रखिएगा अभी तक हमारे इंडिया में दो तक इसको क्या किया गया था सर मान्यता नहीं दिया गया था बट 2020 में आर के द्वारा इसको मान्यता दिया गया है वो भी क्यों वो भी दिया गया है कि भाई आप इसको क्या करते हो ट्रेडिंग कर सकते हो मतलब ऑनलाइन आप इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हो ट्रेडिंग कर सकते हो लेकिन 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 उसका ऑफलाइन मतलब सॉफ्ट कॉपी में यूज़ नहीं कर सकते मतलब क्या है कि पैसे को आपने क्रिप्टो करेंसी निकाला और भारत में जाके किसी भी राज्य में या कहीं भी आप चाहो कि उससे हम कुछ सामान खरीद ले तो वो अनलीगल गलत है इनलीगल है ठीक है तो ये ध्यान रखिए क्रिप्टो करेंसी हमारे इंडिया में अभी तक कहीं भी नहीं किया है सिर्फ एक कंट्री है घाना है जहाँ पे वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या किया इसको मान्यता दे दिया है बाकी इंडिया में अभी नहीं दिया गया है इंडिया में वर्चुअली लोग ट्रेडिंग करते हैं हर चीज़ करते हैं इसके लिए आर ने कर दिया और अभी हाल ही में फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा आर को एक रिपोर्ट भेजा गया है जिसमें भारत के द्वारा भी इनिशिएट करने की बातें कही कहीगी कि भारत भी क्यों ना एक क्रिप्टो करेंसी क्या करे बनाए और उसको मार्केट में लॉन्च करें जिस तरह बहुत सारे कंट्रीज है क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च किए हुए हैं वैसे भारत भी अभी इस पर इनिशिएट कर रहा है कर रहा है क्रिप्टो करेंसी को लाने के लिए क्या पता कुछ सालों में आपको दिखाई दे क्रिप्टो करेंसी इंडिया का भी ठीक है क्यों क्योंकि जिस तरह से देश आगे की ओर बढ़ रहा है हर एक कंट्रीज आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन दुनिया जब सब कुछ चल ही रहा है तो उसमें भी क्रिप्टो करेंसी को आना बहुत जरूरी है और आने वाले दिनों में आपको दिखेगा अब ये क्रिप्टो करेंसी होता है क्या इस चीज़ को समझना क्रिप्टो करेंसी में पहली बात मैंने बताया एक वर्चुअली प्लेटफॉर्म होता है गवर्नमेंट हमारी इससे रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है इसमें बहुत बड़ा रिस्क भी होता है ध्यान रखिएगा हमारा आर इसके लिए कोई भी क्या है रिस्पॉन्सिबल नहीं है पहली बात है ये ठीक है इसमें कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता एक तरह से ये मीडिएटर होता है और जैसे हम लोग कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मीडिएटर बीच में होते हैं क्रिप्टो करेंसी में क्या होता है मीडिएटर बीच में नहीं होते हैं खत्म हो गए हैं आप डायरेक्टली क्या करोगे क्रिप्टो करेंसी दूसरी खरीदोगे और दूसरे को बेच दोगे अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बीच वाला कहानी कुछ भी नहीं है और एट द टाइम पैसा आपका रिफंड भी होगा एट द एट द टाइम पैसा डिपॉजिट भी होगा ठीक है लेकिन 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 इसमें कोई भी सिक्योरिटी नहीं है आपके पैसे का कि आपने पैसा जमा किया आपको पैसा मिल भी जाएगा कि नहीं भी मिलेगा नहीं पता होता है आर क्या करता है भाई कि आपका अगर दो रुपए होता है किसी भी बैंक में आपने रखा है तो वो सिक्योरिटी होती है कि आपका पैसा यहाँ पे है आप जब चाहे तब निकाल सकते हैं लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक है एक रिस्क भी बहुत बड़ा है तो अगर बहुत सारे लोग हैं दुनिया में लोग पैसे लगाते हैं क्रिप्टो करेंसी में तो वो अपने रिक्स पे लगाते हैं वहां के सेंट्रल बैंक के द्वारा कोई भी यहां पे क्या है आपको सिक्योरिटी नहीं दी जाती है ठीक है हां ये है कि रिक्स बहुत ज्यादा होता है बट इसमें बेनिफिट बहुत ज्यादा होता है रिटर्न बहुत ज्यादा होता है दो सौ तीन तक की क्या होती है सर जी इसमें रिटर्न होती है तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है मतलब एक तरह से आप कह सकते हो तो पैसे से पैसा को बनाना यहां पे क्रिप्टो करेंसी में काम होता है ठीक है किस तरह से काम होती क्या होती ये चीज़ समझना द डेवलपमेंट ऑफ बिटकॉइन एंड द क्रैप्टो करेंसीज इन अ डिक्ड हैज अ चेंज डिफिनिशन ऑफ मनी एंड जनरेटेड पैरलर यूनिवर्स ऑफ अल्टरनेटिव फाइनेंशियल सर्विसेज क्रैप्टो करेंसी जब से आया है बीट क्वाइन जब से निकल के सामने आया है ठीक है इन्होंने तो भैया पैसे का क्या किया डिफिनीशन ही बदल दिया है ठीक है लोग जानते नहीं थे बीट क्वाइन क्या होता है क्रिप्टो करेंसी क्या होता है बीट क्वाइन को ही क्रैप्टो करेंसी कहते हैं एक समय था दो हजार तेरह में 2013 में बहुत सारे ऐसे लोग थे उस टाइम क्रिप्टो या बिटकॉइन जो था मुश्किल से पचास रुपये का था एक बिटकॉइन और आपको सुन के शॉक्ड हो जाएगा कि 2013 और 2021 आप सोचो 2000 अभी 21 चल रहा है जिन लोगों ने 2013 में एक बिटकॉइन खरीदा था पचास रुपए साठ रुपए अस्सी रुपए जितने का भी था आज वो बिटकॉइन एक बिटकॉइन आपको पता है कितने लाख का है 36 लाख का है मतलब क्या है 36 लाख का है मतलब आप सोच लो कि एक बिटकॉइन खरीदा है कोई 2003 में 2013 में या 2010 में या 2008 में कम पैसों में सौ रुपए से कम की वैल्यू में खरीदा था आज वही बिटकॉइन की वैल्यू कितना है लाखों में है पैंतीस लाख छत्तीस लाख रुपए है सोचो अगर कोई इंसान ने उस टाइम में अगर पांच नहीं दस खरीद लिया पाँच सौ रुपए हजार रुपये लगाया खरीद लिया आज उसकी करोड़ों में वैल्यू है सोच लो तो इतना तो बैंक भी रिटर्न नहीं देगा रिस्क तो बहुत बड़ा है लेकिन बैंक भी रिटर्न नहीं देगा तो सोचो कितना बेनिफिट हुआ होगा उन लोगों को जिन लोगों ने उस टाइम खरीदा होगा और आज बेचा होगा करोड़ों रुपए मिला होगा इनको तो यही इसकी इंपॉर्टेंस है और यही कह रहा है कि क्या किया गया है इसका एक तरह से डिफिनीशन ही चेंज कर दिया ये मनी का आके एंड यूनिवर्स अल्टरनेटिव फाइनेंशियल सर्विस आई ए एफ द डेवलप द डेवलपमेंट ऑफ द अलाउड क्रैप्टो बिजनेस टू द मूव इन टू अ ट्रेडिशनल बैंकिंग टेरेटरीज मतलब कह रहा है यहाँ पे कि इस प्रकार की विकास ने क्रैप्टो व्यवसायों को प्रारंभिक बैंकिंग क्षेत्र में प्रवेश अनुमति दे दी गई है कि भाई ये देखा जा रहा है जिससे जिस तरह से ग्लोबली वैश्विक लेवल पर यह बढ़ता जा रहा है इसी तरह हर एक बैंक क्या कर रहे हैं इसको परमिशन देते दे जा रहे हैं ए एफ एस इज अ टर्म ऑफ ऑन used to describe the area of the financial services offered by the provider that operate outside or friendly insured bank and थी मतलब कि मतलब आप कह सकते हो कि जिस तरह से प्रॉब्लम होती है एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग अक्सर उन क्या करते हैं प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सेवा फाइनेंशियली सेवा के ऋण में आते हैं श्रेणी में आते हैं जो कि क्या है सर जी वर्णन करने के लिए किया जाता है जो संघ द्वारा बीमित बैंकों और क्या है वित्तव्यामी के बाहर काम करते है अब देखो 2009 की बातें कर रहे हैं जब 2009 में क्रिप्टो करेंसी दिखाई दिया था ये बिटकॉइन उस टाइम इसकी जो वैल्यू थी वो क्या थी सर ध्यान रखना लेस देन थी कितना थी सर सौ रुपये सौ रुपये से कम थी 2009 में ठीक है फिर 2011 में एक नई आई क्या नाम था लाइट क्वाइन लॉन्च किया गया फिर 2012 में आपको दिखाई दिया रिपल आया दो में भी एक बिटकॉइन आई फिर दो में भी इथेरियम आया दो में ओवर वन थाउजेंड क्रिप्टो करेंसी लिस्टेड एक हज़ार से ऊपर करेंसी को लिस्टेड हुआ 2017 में और 2018 में देखो क्या कहानी हो गया ब्लैक चेन बन गया और अभी डिकेंड अभी चल रहा है अभी हालात ये अब जो 2009 में बंदा बिटकॉइन खरीदा होगा अस्सी रुपए में सौ रुपए में 2009 और आज 10 सालों में इसकी हालात देखो क्या है लाखों में है इतना तो बैंक आपको इंटरेस्ट नहीं देगा जितना आपको बिटकॉइन के द्वारा मिल गया बहुत सारे ऐसे लोग थे जो करोड़पति बन गए जो सौ रुपए का अस्सी रुपए का नब्बे रुपए का एक बिटकॉइन कॉइन खरीदे थे आज वही बिटकॉइन की वैल्यू दो में पैंतीस लाख रुपये है छत्तीस लाख रुपए है आप सोच सकते हो कितना ज्यादा ये बेनिफिशरी है बिटकॉइन ठीक है अल्टरनेटिव सर्विस ऑफर्ड बाई द क्रैप्टो एक अलग अलग टाइप का अल्टरनेटिव सर्विसज ऑफर की जाती है क्रैप्टो के द्वारा अबाउट मोस्ट नोटेबली लीडिंग एंड अ ब्रॉइंग मतलब आप बिटकॉइन खरीद भी सकते हो बेच भी सकते हो वहाँ पे उसी प्लेटफॉर्म पे कोई दिक्कत नहीं है एडवांटेज ओवर अ बैंक इन्वेटर्स एंड कैन आई अर्न इंटरेस्ट ऑन द होल्डिंग वही जो मैंने आपको बताया है इस पर इंटरेस्ट बहुत जबरदस्त मिलता है अच्छा खासा मिलता है लॉट ऑफ मनी आपको मिल सकती है ठीक है आगे आते हैं सर रीज़न क्या होता है बाई लॉ बैंक एंड रिक्वायर्ड हैव अ रिजर्व एंड इंश्योर दैट इवन सम लोन्स गो बैड कस्टमर कैन स्टिल विदड्रॉ फंड वेयर एज क्रैप्टो बैंक डू नॉट हैव द सेम रिजर्व रिक्वायरमेंट एंड द इंस्टीट्यूशनल दे लीड टू कैन टेक अ रिस्क एक्टिविटीज मतलब कहता है कि अगर आर बी आई आप पे पैसे को रखती है और कुछ भी उस पर क्या होता है अगर इशूज़ होता है फ्रॉडनेस होती है या करता है तो उस केस में आरबीआई आपको क्या करती है फंड वापस करती है बट क्रिप्टो करेंसी बैंक में ऐसा कुछ भी नहीं होता है कोई भी सिक्योरिटी यहां पे नहीं होती है तो थोड़ा सा रिस्क जरूर है लेकिन बेनिफिट बहुत है रिटर्न बहुत तगड़ी मिलती है क्रिप्टो करेंसी में ठीक है िक्स दिखाई दे रहा है डिपोजिट आर नॉट गारंटी बाय द सेंट्रल बैंक एंड बैक एंड डिपोजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ठीक है साइबर अटैक एक्सट्रीम मार्केट कंडीशन अदर ऑपरेशनल और टेक्निकल डिफिकल्टीज कुड लीड तो टू अ कुरी परमानेंट हॉल्ट एंड एंड्रोल के विदड्रोअल ऑफ द ट्रांसफर मतलब इसमें कोई भी रिक्स तो है भाई पैसा जमा कर रो पैसा निकाल लो सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है साइबर अटैक भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है इसका आपके सेंट्रल बैंक के द्वारा कोई भी गारंटी नहीं नहीं ली जाती है कोई भी सिक्योरिटी नहीं दी जाती है ये आपका खुद का रिक्स होता है कि आप पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो और पैसे लगाते हो और विड्रॉल करते हो ठीक है अब यहां पे कह रहा है स्टेबल क्वाइन स्टेबल क्वाइन दे आर क्रैप्टो करेंसी पेड टू द स्टेबल दी टू डॉलर दे आर मीन टू प्रोवाइड द स्टडी वैल्यू ऑफ अ गवर्नमेंट इशूज मनी इज द डिजिटल फ्रॉम अ द्लैक बट दे आर इशूड बाई द प्राइवेट इंडीज मतलब कह रहा है कि जो स्टेबल करेंसीज है यह क्रैप्टो करेंसी ही है स्टेबल करेंसी क्या है सर ये भी एक क्रैप्टो करेंसी ही है जो कि आमतौर पर डॉलर से जुड़ी हुई है डॉलर से जुड़ा हुआ है और एक ब्लैक चेन लेन देन हेतु डिजिटल डिजिटल रूप में सरकार द्वारा जारी धन की स्थिति प्रदान करने के लिए है, लेकिन निजी संस्थाओं द्वारा जारी किए जाते हैं कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या एंटिटीज के द्वारा क्या कहते हैं किए जाते हैं इसकी जो वैल्यू होती है वो डॉलर में होती है ये वर्चुअली सेम चीज है क्रिप्टो करेंसी ही है इसको बेच सकते हैं और खरीद सकते हैं और एक रिस्क पे आप इस पर काम कर सकते हो तो ये भी ध्यान रखिएगा आप एग्जाम में यहां पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज स्टेबल क्वाइन ध्यान रखिएगा स्टेबल क्वाइन क्या है तो स्टेबल क्वाइन भी क्या है सर जी एक क्रैप्टो करेंसी है जो कि डॉलर में कंसीडर किया जाता है क्रैप्टो इज अ वेरी वोलाटाइल मेकिंग इट लेस प्रैक्टिकल फॉर द ट्रांजेक्शन लाइक अ पेमेंट्स और अ लोन दैट इज अ वे स्टेबल क्वाइंस कीम मतलब क्रिप्टो करेंसी एक स्थिर प्रकृति की कमी है जिससे भुगतान या ऋण जैसे लेन देन के लिए यह कम व्यवहारिक है यही से स्टेबल क्वाइन का महत्व बढ़ जाता है मतलब आपसी लेन देन हम चाहे कि दो रुपये आपको दे दे सौ रुपये आपको दे दे मतलब क्या है यहाँ पे कह रहा है कि अगर ये चाहे कि भाई स्टेबल क्वाइन अगर एक स्टेबल क्वाइन हम आपको दे दे और आप हमें दे दें तो ये पॉसिबल नहीं है हाँ वर्चुअली हम कर सकते हैं वर्चुअली हम आपको ट्रांसफर कर सकते हैं आप हमें कर सकते हैं बट हाथ में हम इसको यूज नहीं कर सकते ऐसा कुछ भी नहीं होता और वैसे भी क्रिप्टो करेंसी आप नहीं कर सकते हमारे इंडिया में इलीगल है ध्यान रखिएगा ठीक है सपोज टू होल्ड द मॉनिटर एंड रिजर्व वही चीज यहां पे लिखा है बट देयर इज अ नो गारंटी देयर एक्चुअल होल्ड टू होल्डन डॉलर बैकिंग द दैन ठीक है वही चीज लिखा है कोई भी गारंटी सर यहां पे नहीं है आगे आ जाओ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्या होता है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इट इज अ वर्चुअल फॉर्मेट ऑफ अ फेथ करेंसी इशूड बाय द गवर्नमेंट एंड द रेगुलेटेड बाय द सेंट्रल अथॉरिटी सच एज अ सेंट्रल बैंक फॉर अ पर्टिकुलर नेशन और रीजन एक विशेष प्रकार का राष्ट्र या क्षेत्र के लिए फेट मुद्रा है सरकार के द्वारा जारी किया जाता है एक केंद्रीय प्राधिकरण जैसे केंद्रीय बैंक द्वारा क्या करते हैं आभासी रूप में क्या करते हैं शामिल किया जाता है या इसको आ, परमिशन दी जाती है सेंट्रल बैंक एंड द एक्माइज द पोटेंशियल फॉर द इशूज ऑफ अ गवर्नमेंट इशूज क्रैप्टो करेंसी दैट वुड थ्रोटिकल ऑफ द कन्विंसिंग ऑफ द क्रैप्टो विद द रेलेबिलिटी ऑफ अ मनी कंट्रोल बाई द सेंट्रल बैंक है सब कुछ वही है जो चीज़ें मैंने अभी जस्ट आपको पढ़ाया है बताया है इसके रिस्क के ऊपर इसके बेनिफिट के ऊपर ठीक है अब यहां पे कह रहा है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस मतलब कह रहा है विकेंद्री विथ डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के बारे में वही भी कहा है ठीक है यहाँ पे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है जो चीज था मैंने आपको बता दिया है ये चीज वही लिखा हुआ है बेनिफिट ऑफ क्रिप्टो करेंसी अब इसका बेनिफिट क्या है फाइनेंशियल इंक्लूजन वित्तीय समावेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये इन्वेंटर अर यू दैट द क्रैप्टो फास्टर फाइनेंशियल इंक्लूजन कंज्यूमर कैन ऑन अन्यूजली हायर रिटर्न यहां पे देखिए वही चीज मैंने जो आपको बताया वही चीज लिखा है हायर रिटर्न ऑन होल्डिंग अनलाइक द बैंक मतलब कह रहा है कि अगर आप पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो कोई भी आप क्रैप्टो करेंसी खरीदते हो बिटकॉइन खरीदते हो बहुत सारे क्रैप्टो करेंसी नाम है उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग करेंसी है लाइकअ ब्रिटकॉन इथेरियम बहुत सारे है सोलाना बहुत सारे अलग अलग है अगर आप इसको तो होल्ड करते हो और होल्ड करने पे क्या पता पे करता है, कैसा है और सबसे अच्छी बात कि 24 ये चलता है, हर एक ये बहुत ही बड़ा रिक्स पे है तो रिक्स अगर आप झेल सकते हो तो आप करो अच्छी चीज़ें है बुरी चीज नहीं है बट मैं ये कहूँगा खेलने के पहले मिनिमम आप सौ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो ठीक है क्रिप्टो करेंसी में मिनिमम सौ रुपये इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अगर आपको लगता है कि नहीं सर पैसा है हम जानते हैं क्रिप्टो करेंसी क्या होता है तो ज्यादा नहीं सौ रुपए आप लगा सकते हो सौ रुपए आज के समय में कोई बड़ी चीज नहीं है सौ रुपए लगा के आप देख सकते हो कि सर बेनिफिट हो रहा है आपको समझ में आ रहा है किस तरह से ट्रेडिंग हो रही है तभी पैसा लगाना अदरवाइज पैसे घर का मत लगाना नुकसान हो जाएगा ठीक है आगे आ जाओ क्विक एंड चीप ट्रांजेक्शन जो, जो देखो इसकी जो ट्रांजेक्शन होती है बहुत ही ईजी होती है इतना यूनिट ईजी बना दिया है जैसे आप फोन पे होता है यू पी ट्रांजेक्शन होता है वैसे ही सेम है कुछ भी नहीं करना है बहुत ही ईजी होता है यू पी ट्रांजेक्शन से कर सकते हो इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हो पैसा डिपोजिट कर सकते हो विड्रॉल कर सकते हो बहुत ही ईजी इन्होंने बना रखा है आगे आ जाओ और ये वही चीज़ें हैं सर्विसेस है इसकी ठीक है डेफ प्रोटोकॉल है अब वे आगे क्या हो सकता है मतलब आगे आने वाले फ्यूचर में न्यू टेक्नोलॉजी डिमांड अ न्यू अप्रोच नोवेल रेक्स कैन बी द एड्रेसेस विदाउट द नेसेसरी रेस्टिकेशन इनोवेशन तो ये सब प्रॉब्लम सर आपको दिखाने वाला है ठीक है क्वेश्चन ऑफ द दिच आर द क्रिशियल फाइटिंग फाइनेंशियल फ्रॉड नीड टू द एड्रेसेज इंसटेंड स्टार्टिंग द स्पेसिफाई क्वालिटी मतलब आपके समय में देख लो साइबर अटैक कितना हो रहा है अकाउंट डिटेल्स आपके लिख हो जाते हैं तो इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को सर आपको मिल सकती है ध्यान रखिएगा ठीक है तो ये था करंट अफेयर जो मैंने आपको प्रोवाइड कराई ध्यान रखिएगा उम्मीद करते हैं कि आज की करंट अफेयर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा थैंक यू सो मच एवरीबॉडी लाइक करिएगा नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लीजिएगा जिससे आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा ये बेनिफिट चल रहा है ट्वेल्व मंथ का सब्सक्रिप्शन लेने पर ट्वेल्व मंथ का आपको एस फ्री मिलेगा कब तक अगर आप तीस तारीख़ के पहले लेते हैं तो सिर्फ आपको यूज़ करना है आर लाइफ कोड को आपको आर लाइफ कोड को यूज़ करना है और आपको ये दोनों बेनिफिट मिल सकता है और अगर आप चाहते हैं कि सर 25 परसेंट का हमें डिस्काउंट चाहिए तो 15 परसेंट आपको अनकेडमी की तरफ से मिलेगा और 10 परसेंट हमारे रेफरल कोड से मिलेगा अगर आप इस रेफरल कोड को क्या करते हैं सर यूज़ करते हैं आर लाइफ रेफरल कोड को यूज़ करने से आपको ट्वेंटी का डिस्काउंट मिलेगा कब तक कल तक सेवेंटीन ऑफ सितंबर तक ठीक है ध्यान रखिएगा ये सब पूरे बेनिफिट है यहाँ पर भी, भी आप आर लाइफ कोड लगाइएगा ध्यान रखिएगा यहाँ पे भी आर लाइफ कोड लगाइएगा तब आपको बेनिफिट मिलेगा ये आपको दिखाई भी दे रहा है यहाँ पे आर लाइफ कोड इन्हीं कोड को यूज़ करेंगे तो आपको क्या होगा सर 10% का डिस्काउंट मिलेगा इन्हीं कोडों को यूज़ करके आपको 10% का डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा एंड थैंक यू सो मच टेक केयर जय हिंद सर मेरा एस एस का एग्ज़ाम है किसी को कोई डाउट है किसी बच्चे को कोई डाउट है जल्दी से सभी अपने डाउट्स पूछेंगे सेशन को लाइक कर देना शेयर भी कर देना अपने ग्रुप में जहाँ भी आपको लगता है कि सर शेयर करना चाहिए और कंटेंट का ज़रूर से नोट्स बनाते चलना इसी नोट्स का आपको बेनिफिट मिलने वाला है ठीक है